भोपाल का, जहां आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 29 दिवसीय सत्र में सदन की 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र में कांग्रेस ने बीजेपी के लिए रणनीति तैयार कर ली है, किस तरह से सरकार को घेरा जाएगा। सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। सरकार इस बार पेपरलेस बजट लेकर आएगी, तो वहीं 1 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस बजट को पेश करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार के बजट की काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। करीब 3 लाख करोड़ का इस बार का बजट हो सकता है। तो इससे पहले आपको बता दें कि 28 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पटल पर रखी जाएगी। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयार है, और दूसरी ओर सरकार ने भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए रणनीति तय कर ली है। तो बता दें कि रविवार को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र की आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर लिया, क्योंकि आज से सत्र की शुरुआत होनी है और ऐसे में सभी चीजें सुचारू रूप से चले, सदन की कार्यवाही में कोई बाधा ना आए, ऐसे में निरीक्षण करने के लिए खुद विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कल पहुंचे थे विधानसभा। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और आज से इस सत्र की शुरुआत होगी। तो शिवराज सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी बजट है, चुनावी साल की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में इस बजट से आम जनता को भी काफी उम्मीदें हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, आज से सत्र की शुरुआत हो जाएगी, 29 दिनों तक ये सत्र चलेगा, कई उम्मीदें इस बार के बजट से जनता को भी है और साथ ही साथ सरकार भी चाहती है कि ये आखिरी मौका है जनता का दिल जीतने का, ऐसे में बजट पर भी काफी मंथन हुआ, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, मध्यप्रदेश सरकार का ये आखिरी बजट है और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, जो राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसमें पिछले 1 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया जाएगा कि कौन कौन से कार्य जो है मध्यप्रदेश सरकार ने जनहितैषी फैसले लिए हैं, जो कामकाज हुए उसका ब्यौरा दिया जाएगा। इसके बाद कार्य मंत्रणा की बैठक होगी, तो वहीं अंतिम बजट सत्र होने के चलते एक सामूहिक फोटो सेशन भी होगा, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तमाम जो विधायक हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। खासतौर से महत्वपूर्ण सत्र इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये शिवराज सरकार का अंतिम विधानसभा का सत्र रहेगा और बजट सत्र भी रहेगा। इसके बाद 2023 के चुनाव होने, ऐसे में सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि अंतिम बजट के तौर पर ऐसा बजट पेश किया जाए जो जनहितैषी हो, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जनता को जोड़े और किस तरीके से जनता के लिए जो कामकाज सरकार ने किए हैं उसको लेकर बता सके कि 2023 के पहले जो बजट रहेगा वो कितना जनहितैषी होगा। यही कारण है कि लगातार सरकार इस बजट सत्र को तैयार करने में, बजट तैयार करने में वित्त विभाग की बात हो या तमाम जो अलग अलग विभागीय मंत्री हैं वो प्रयास कर रहे थे और बजट में किस तरीके से अलग अलग प्रावधान हो उसको लेकर कई जो बिंदु हैं वो जोड़े भी गए हैं। और खासतौर से लाडली बहना की बात करें तो ये इस बार नए बजट में आएगी, इसमें करीब माना जा रहा है 12,000 करोड़ रुपये का बजट रहेगा, तो आधी आबादी को साधने के लिए माना जा रहा है कि लाडली बहना को लेकर भी एक बड़ा बजट सरकार अपने बजट में शामिल कर सकती है। इसके अलावा भी कई अन्य योजना है जिसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि बजट सत्र आखिरी सत्र है विधानसभा का, ऐसे में चाहे कांग्रेस की बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरा जाए, क्योंकि पिछले सत्र में हमने देखा था विश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस आई थी। ऐसे में फिलहाल जिस तरीके से हाल ही में जो घटनाक्रम सीधी में बस हादसा हुआ उसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा भी कई अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार, बिल्कुल सही कहा सूरज, जिस तरह से हमने देखा कई बड़े कार्यक्रम भी इस बार आयोजित किए गए और इस पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने बड़े सवाल भी खड़े किए थे। देखना होगा कि इस बार सदन में कौन सा वो मुद्दा है जो ज्यादा गर्माएगा, और जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि इस बार सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने की भी आसार है। देखना होगा आज से सत्र की शुरुआत होगी तो क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल धन्यवाद आपका बातचीत के लिए।